सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन के हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम टीचर्स की तनख्वाह में से कटौती का अमल शुरू कर दिया है, और कितना तनख्वाह में से कटौती की जाएगी जो मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर दें ताकि एजुकेशन से मुतालिक तमाम न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल डॉक्टर मुराद राज सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिसमें कहा गया कि अप्रैल और मई की जो छुट्टियां हैं वो गर्मियों की छुट्टियां ही हैं, जिसकी वजह से तमाम टीचर्स के अब तनख्वाह में से कन्वेंस अलाउंस को काट लिया जाएगा। जी हाँ जनाब, जितने भी पंजाब के टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह में से कन्वेंस अलाउंस को काट लिया जाएगा। जैसा कि 14वें स्केल का अब जो कन्वेंस अलाउंस बनता है वो 2800 कुछ रुपए है, जिसको काट लिया जाएगा। एजुकेशन से मुतालिक अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पंजाब के तमाम एजुकेटर्स के कन्वेंस अलाउंस को काट लिया जाएगा अप्रैल और मई के महीने का, जो कि डॉक्टर मुराद राज के नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल और मई की जो छुट्टियां हैं वो गर्मी की छुट्टियां ही हैं, जिसकी वजह से तमाम टीचर्स के कन्वेंस अलाउंस काट लिया जाएगा उसकी तनख्वाह में से, जो कि 14वें स्केल का 2800 कुछ रुपये बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक कर दें, लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।